सो बेसिकली सीन तो एक बहुत ही हैप्पी नोट से स्टार्ट होता है कि बिंदिया को पुरस्कार मिल रहा है, उसने कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है उसकी वजह से। बट बिंदिया अपनी बहन का वेट कर रही है, वो चाहती है कि वो अपनी बहन के साथ वो प्राइज़ ले। बट फिर वो नोटिस करती है कि वो बुआ के साथ आ रही है, एंड ऑफकोर्स वो टेंशन में आ जाती है कि ये बुआ के साथ क्या कर रही है। वो पायल से भी पूछती है, बुआ ने कुछ किया तो नहीं तुम्हें? फिर पता चलता है बुआ और उनकी बेटी रिवील करती है कि एक्चुअली पायल चोरी करने लग गई, जो कि बुआ की बेटी और उन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि पायल से चोरी करवाएंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे और पंचायत को दिखाएंगे। तो फिर ऐसे रिवील होता है कि अब पायल चोरी करने लगी है, तो दादी और बिंदिया इवन सारे गांव वाले सब बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर कोई बोलता है कि पायल को जेल भेज दो, फिर बुआ भी उनके साथ अग्री करती है कि हाँ जेल भेज दो। तो बिंदिया सबको कन्विंस करती है कि मेरी बहन को जेल मत भेजो, उसको मुझसे दूर मत करो। तो फाइनल डिसीजन सरपंच जी का ये होता है कि बुआ अब हमारे घर में हमारे साथ रहेंगी। कैसे क्या काहे सब पता चल जाएगा, अभी रुको तो जरा। अरे हमारी प्यारी चिड़िया मतलब चिड़िया बोली सूरत तो देखो, अरे हम कुछ नहीं किए, तुम्हारी कसम ये बार बुआ कुछ नहीं करेगी। उधर से कोई बोला, अरे कितना बकवास करती बुआ। बुआ देखो उसके पास चल के गई। बिंदिया पहले बिंदिया को एक्सेप्ट ही नहीं हुआ कि उसकी बहन चोरी करने लग गई, क्योंकि उसने हमेशा उसे अच्छी वैल्यूज सिखाई है कि चोरी करना बुरी बात होती है, झूठ बोलना बुरी बात होती है, हमेशा सबकी मदद करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो जब उसको पता चलता है कि पायल चोरी करने लगी है और वो वीडियो में देखती है, तो बहुत शॉक हो जाती है, मोस्टली डिसअपॉइंटेड होती है अपनी बहन में। ये बोली बुआ अच्छा पढ़ना तो, बल्कि गांव वाले की आग भी खोलनी थी हमको तो। बोली क्या बोली? अरे वाह क्या बोली रे हमारी बेटी को? बुआ आगे आगे डांटी, यहाँ पे डांट के वापस बुआ यहाँ से चली गई। सो सरपंच जी ने जो डिसीजन लिया है ये लिया है कि बुआ अब हमारे साथ आके रहेगी। तो पहले के एपिसोड्स में भी जब बुआ हमारे घर पे आई थी, उन्होंने पूरा यू नो रूल किया था हमारे ऊपर, तो अभी भी देखने को मिलेगा। अब तो उनकी डॉटर भी आ गई, तो वो लोग क्या करेंगे हमारे साथ वो आगे के एपिसोड्स में जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू।